भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। एक समय नेमिशरण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप करिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ स्वर्ण श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देवों के ईष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार हो। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक लोक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कि हे भगवान मुझसे विश्वास से कहिए। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला और भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों के साथ बंधुओं के साथ वो धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ भी ले सकते हैं। तो भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें, बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने वाले मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसको कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर ऐसे ही घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए कि हे ब्राह्मण,
तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था मैं उससे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे से जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर संसार में इस विप्र को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन्य और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। अब प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है तो कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। और विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। अब उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौकने मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फल शक्कर घी दुग्ध दही और गेहूं का चूरन इत्यादि के व्रत की कुल सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। अब उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों यह अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। अब उसकी पत्नी कमल के सुख मुख समान मुख वाली सती साध्वी थी। तो भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। अब उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। अब वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे सुनने की इच्छा है सो आप मुझे बताइए। अब राजा बोला कि हे साधु अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन मुझसे इसका संविधान कहो मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है इससे शायद हो जाए। तो राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो और आनंद के साथ घर पे गया। अब साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। अब साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे तो एक दिन उसकी पत्नी लीलावती
पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। अब 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि मैं जो आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे विप्रे, कन्या के विवाह पर व्रत करूँगा। अब इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। अब कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई वर देकर लाओ। अब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचा तो वहाँ पर खोज का देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। अब सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण्य दुख प्राप्त होगा। आपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गया। अब वहाँ पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। अब एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं किसी नाव में छुपा दिया जहां पर कि वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अब चोर तो भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। अब उनका धन भी छीन लिया। फिर सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी तो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। अब वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, उनकी कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता बोली कि कलावती, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तब तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन तुमने जो ग्रहण किया था वो उन्हें वापस दे दो। मैं तेरा धन, पुत्र, राज्य ये सब नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजा चंद्रकेतु की सभा हुई तो सभा में उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा को मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनके पास जितना धन था उनसे दुगना धन देकर उनको आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। चतुर्थ अध्याय। सूजी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला तो उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे कहा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? तो मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर
समुद्र के किनारे बैठ गए। अब दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, वहाँ हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान श्रोताकुल होकर रोने लगा। जब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तो साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आप ही बताइए। तो आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देखा अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु, आपने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। तो लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर भगवान भी बड़े सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं आपके दर्शन का जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत और प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। अब ऐसा करने पर प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। अब कलावती अपने पति को न देखते हुए रोता हुआ देख साधु दुखित बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसे ही आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। पंचम अध्याय। सूजी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद आकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधो सही श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा और राजा को देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक भोजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करने पर मृत्यु लोक पे स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा और भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य मोरध्वज स्वयंभू मनु हुए और भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती। सच्चे दरबार की जय। बोलो। अब आरती होगी। कन्हैया की जय। भगवान जगदीश्वर जी की आरती।